किसी कुत्ते ने रखा था। नमस्कार दोस्तों, वांटेड वीडियोस के आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या सचमुच चांद पर पहला कदम किसी कुत्ते ने रखा था। देखिए, आज तक हमें कोई भी कभी भी कैसे भी ऐसे भी या वैसे भी पूछता है कि चांद पर पहला कदम किसने रखा, तो सबसे पहला जवाब हमारे जहन में आता है कि एक कुत्ते ने रखा। क्या सचमुच पहला कदम एक कुत्ते ने रखा है या ये एक हुआक्स है, फेक है? अगर आपको भी पता करना है तो उसके लिए आइए देखते हैं। सबसे पहला सैटेलाइट रशिया ने USSR स्पुटनिक 1 लॉन्च किया था, जो कि अर्थ की रिवॉल्वेशन करता था। पर उसकी बहुत बड़ी कामयाबी के बाद रशिया एकदम उठ गया था कि बहुत ऊंचा सबकी नज़रों में आ गया था कि ये एक अलग देश है, ये बहुत तरक्की पर है। उसी तरक्की की चुल मचा दी वहाँ के सबरे साइंटिस्टों ने। अब अगर कोई एक बार तरक्की कर लेना तो उसके जहन में बार बार यही चीज़ आती है कि एक और, एक और, बस एक और, जितने झंडे गाड़ पाओ उतने गाड़ दो। अब पहला जो स्पुटनिक 1 स्पेस में गया था, तब साइंटिस्टों को बिल्कुल कुछ नहीं पता था कि चांद पर होता क्या है, क्या रहता है वहाँ पर, इंसान जी सकता है या नहीं जी सकता। बस इतना पता था कि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती है और इंसान तब जेट बनाने में, जो ऊपर फ्लाई करके विमान जाते हैं वो बनाने में कामयाब हो गया था। तो सबसे पहला सैटेलाइट भी उसी द्वारा छोड़ा गया था, जो कि बहुत बड़ी कामयाबी हुई थी। रशिया सभी की नज़रों में एकदम बहुत ऊंचा उठ गया था। अब रशिया चाहता था कि हम एक और धमाका करें। अब वो चाहने लगा था कि हम किसी जिंदा लिविंग चीज को स्पेस पर भेजें और देखें कि क्या होता है। तो इंसान को तो भेज नहीं सकते, नहीं भेज सकते, बिल्ली नहीं, कुत्ता। तो उनने एक डॉग को चुन लिया कि डॉग जाएगा स्पेस पर। पर इतनी जल्दी काम करवाया उनने, बिल्कुल सोचा नहीं, बस इतना सोच लिया स्पेस पे भेजना है और 40 दिन के अंदर एक इतना छोटा जेट तैयार कर लिया, मिसाइल तैयार कर ली कि जिसमें एक कुत्ता ही बैठ सकता है बस। और अब सर्च हुई कुत्तों की, तो अब वहाँ पर मॉस्को की सड़कों पर बहुत सारे कुत्ते मंडराते थे, जैसे भारत में मंडराते रहते हैं। तो वहाँ पर उनने बहुत सारे कुत्तों पर नज़र रखी, फिर एक कुत्ते को उनने चुन लिया, जो कि शांत, बहुत ही शांत स्वभाव का था और बहुत ही सीधा था और सबसे अलग था। उसे चुनने के बाद उसका नाम रख दिया लायका। अब लायका को स्पेस में भेजना था, उनका मेन मकसद था, और वो भी 2 महीनों के अंदर। तो लायका की ट्रेनिंग चालू कर दी गई, लायका को खाना बदल के दिया गया जो कि वहाँ पर जेट पे अवेलेबल होता था। लायका को उतनी छोटी जगह पर रहना था रॉकेट के लिए, तो उसके लिए उसको 2 महीनों पहले से ही छोटे से केज में रखना शुरू कर दिया, जिसमें वो अपनी मुंडी पीछे भी नहीं कर सकती थी। और तो और लायका को सबसे अलग, बिल्कुल वैसे एनवायरनमेंट पे रखना शुरू कर दिया ताकि उसको मनुष्य को देखे बिना जी सके। और लायका को इसलिए चुना था क्योंकि जो स्ट्रीट डॉग रहते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा भूख दोनों बर्दाश्त कर सकते हैं। अब लायका का लॉन्चिंग डे आने वाला था, तो लायका को जो उसका जेट था, उसका जो प्लेन जा रहा था आसमान में, उसमें लायका को 6 दिन पहले से रखना शुरू कर दिया ताकि ये अपनी जगहों से परिचित हो जाए। अब एक दिन पहले लायका को एक प्रोफेसर अपने घर ले गया और उसको अपने बच्चों के साथ और खुद के साथ बहुत खिलवाया, बहुत खिलवाया, जैसे किसी बकरे की बलि के पहले उसकी बहुत सेवा करते हैं उसी तरह। तो ऐसा क्यों करवाया? ऐसा इसलिए करवाया क्योंकि इंसान तब सिर्फ चीज़ को आसमान में भेज सकता था, वापस लाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। मतलब लायका को एक बार अगर आसमान में भेज दिया गया तो वो वापस नहीं आ सकती थी, और आसमान में भी नहीं, चांद पर भेजना था। तो अब लायका का लॉन्चिंग डे आ गया, लायका को आसमान में जाना था। उस दिन का नाम था 3 नवंबर 1957। अब 3 नवंबर 1957 आ चुका था और लायका लॉन्च होने वाली थी।
लायका का पूरा तैयारी की गई। उसका जो कंपार्टमेंट था उसमें बस इतनी जगह थी कि मुंह के सामने खाना रखा रहता था, बाएं तरफ ही ऑक्सीजन जनरेटर रखा रहता था और दाएं साइड कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर रखा रहता था। बस इतना सा था और इतना छोटा था कि लायका मुड़ भी ना पाए। फिर लायका को स्पेस में लॉन्च कर दिया गया। अब कुछ घंटों बाद जब रॉकेट जो शटल थी उसको दो भागों में बंटना था, एक भाग को जाना था चांद पर और दूसरे को सैटेलाइट बना देनी थी, तो ऐसा वो रॉकेट दो भागों में बंट नहीं पाया कुछ तकनीकी खराबियों के कारण और लायका का चांद पर न जाकर लायका अपनी ऑर्बिट से हट गई। उसका जो रूट था वो हट गया और वो कहीं और अर्थ के आजू बाजू घूमने लगी। अब लायका 3 घंटों तक अपनी जान से खेलती रही, लड़ती रही। फिर बाद में जब लायका का रॉकेट का जो टेम्परेचर था वो बहुत गर्म होने लगा, बहुत ज़्यादा गर्म होने लगा, तो लायका ने गर्मी के कारण अपना दम तोड़ दिया। फिर अगले 7 दिन तक लायका का रॉकेट अर्थ के आजू बाजू मंडराता रहा और फिर एक दिन आकर क्रैश होकर सब खत्म हो गया। तो ये थी लायका की दर्द भरी कहानी जो कि आज भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। और ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि चांद पर पहला कदम किसने रखा, तो इसका नाम कुत्ता जवाब इसलिए दे दिया जाता है क्योंकि सबसे पहली कुर्बानी उसी ने दी थी और एक उपाधि दे दी गई थी कि चांद पर पहला कदम लायका के नाम कर दिया था क्योंकि उसने अपनी जान दी थी स्पेस में। अब ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि लायका बहुत सीधी थी और अलग थी। तो अब हमें एक सीख तो ये मिल जाती है कि बिल्कुल ज़िंदगी में कभी भी सीधे और अलग मत रहो, इंसान ऐसे ही करता है। तो ये थी वांटेड टेक्स 6 और मैं सोच रहा था कि इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ इनके साथ बनाऊं, पर यार मुझे बिल्कुल मन नहीं हुआ क्योंकि जब मैं ये स्टोरी पढ़ रहा था तब मुझे अंदर से बहुत बिल्कुल इच्छा नहीं हुई कि मैं ऐसा फनी सीन इसमें डालूं। तो ये था प्योर ग्राफिकल प्लस ऑडियो रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको पसंद आए ना यार तो लाइक मारो। आज का टॉपिक रख देते हैं 5 लाइक्स का। हाँ, और अगर हमारे चैनल पर नए टपक गए हो कहीं से तो यार सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि मेरे चैनल पर बहुत माल पड़ा हुआ है, जाकर देखो उसे। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलूँगा आपसे। जय हिंद, वंदे मातरम।